हेलो एवरीबॉडी, मैं राजेश शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस, आपका सी लैंग्वेज की क्लास में स्वागत करता हूं। और आज के इस लेक्चर में हम सी लैंग्वेज के इंट्रोडक्शन और उसके जेनेसिस या उसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार जो है वो सी लैंग्वेज एग्जिस्टेंस में आई और उसमें मेनली क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उसे इतना बड़ा बना देते हैं कि इतने वर्षों के बाद भी आज भी सी लैंग्वेज का महत्व उतना ही है जितना कि किसी और एडवांस लैंग्वेज का है। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं कि इसका जो जेनेसिस है वो किस तरीके से है। अगर सी लैंग्वेज के अर्ली डेवलपमेंट्स की बात करें तो मेनली सी लैंग्वेज का डेवलपमेंट जो था वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए हुआ था। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अपने टाइम में एक बहुत फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम रहा है। ये एक मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है और आज इसका जो ग्राफिकल वर्ज़न है, जीयूआई वर्ज़न है, जिसको हम लाइनक्स के तौर पर जानते हैं। और शुरुआत में ये जो लैंग्वेज है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया था, जो कि डेनिस रिची और केन थॉम्पसन के प्रयासों से सफल हुआ था। इससे थोड़ा पहले जाकर अगर देखें तो जो केन थॉम्पसन थे वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो डेवलप करना चाहते थे। स्टार्टिंग में उन्होंने फोर्ट्रन लैंग्वेज का कंपाइलर बनाने की कोशिश करी, लेकिन जल्द ही उन्होंने वो आइडिया छोड़ दिया और उसका एक कट डाउन वर्ज़न या उसका एक थोड़ा छोटा वर्ज़न कहें, जिसको कि BCPL लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है, BCPL सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो उन्होंने बनाया। फिर BCPL जो था वो उस समय जो आपका इतना नहीं चला, उतना फेमस नहीं हुआ। उसके बाद केन थॉम्पसन ने उसका एक सक्सेसर या उसका एक सिंपलर वर्ज़न जो है वो बनाया, जिसको बी लैंग्वेज कहा जाता था। और जो बी लैंग्वेज थी उसकी थोड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो थोड़ी स्लो थी, तो उसका यूज़ जो था वो उतना नहीं हो पाता था दूसरे सिस्टम्स को डेवलप करने में, जितना कि बाद में सी लैंग्वेज का हुआ। और सी लैंग्वेज जो है वो बी लैंग्वेज का सक्सेसर है, इसलिए उसको सी लैंग्वेज कहा जाता है। और जो सी लैंग्वेज है वो 1972 और 73 के बीच में डेनिस रिची ने अडेप्ट किया बी लैंग्वेज को, और उससे फिर उन्होंने सी लैंग्वेज को डेवलप किया। और बाद में यही सी लैंग्वेज जो थी उसी के थ्रू जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था उसको री इम्प्लीमेंट किया गया, जो इनिशियली असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया था। तो इस तरीके से सी लैंग्वेज का अपना एक इतिहास है जो कि काफ़ी एक प्रोसेस के थ्रू गुजरा है, काफ़ी मतलब प्रयासों के थ्रू गुजरा है, जिसमें पहले BCPL का आना, फिर उसके बाद उसमें बी लैंग्वेज का आना, फिर उसको और अडेप्ट करके या उसको और इम्प्रूव करके सी लैंग्वेज का बनाया जाना। और मेन मकसद जो था वो उस समय यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने का ही था। वो बात और है कि बाद में सी लैंग्वेज का इस्तेमाल कई तरह के बिजनेस से रिलेटेड सिस्टम्स और आगे दूसरे कई तरह के सिस्टम्स को डेवलप करने में भी होने लगा, और एक जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पे उसका इस्तेमाल शुरू हुआ। तो अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो आपका सी लैंग्वेज जो है वो डेवलप हुई AT&T बेल लैब, ये लैब जो है वो USA में है, और इसका एग्जैक्ट ईयर जो है वो 1972 बताया जाता है। जैसे मैंने कहा 72 से 73 के बीच में डेवलप हुई, तो एग्जैक्ट ईयर 72 बताया जाता है। और इसके जो मेन डिज़ाइनर हैं या जो इनको डेवलप करने वाले हैं उनमें मेन नाम डेनिस रिची का है। मैंने कहा वो बात और है कि ये पहले केन थॉम्पसन ने बी लैंग्वेज डेवलप की थी और उसको उन्होंने अडेप्ट किया। और मेन चीज़ ये थी कि ये लैंग्वेज इतनी शानदार थी
इन्होंने जल्दी ही उस समय की जो प्रचलित लैंग्वेजेस थी, जैसे PLI, एल्गोल और भी दूसरी लैंग्वेजेस, उसको रिप्लेस करना शुरू कर दिया, क्योंकि इसकी जो परफॉर्मेंस थी वो रिमार्केबल थी और उस परफॉर्मेंस को बीट करना असंभव उस समय उन लैंग्वेजेस के लिए था। तो आपका जो सी लैंग्वेज है वो इस तरीके से उस टाइम एक रातों रात स्टार बनने जैसी स्थिति में आ गई लैंग्वेज। अगर हम सी लैंग्वेज में लिखे जाने वाले प्रोग्राम्स की बात करें, तो प्रोग्राम एक सिंपली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं किसी लैंग्वेज के माध्यम से, जिनको वो स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करता है और उस प्रोग्राम में बताए गए एल्गोरिदम के आधार पे उस टास्क को परफॉर्म करता है। और कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने का तरीका इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के तरीके जैसा होता है। जैसे कोई इंग्लिश लैंग्वेज में हम पहले उसके अल्फ़ाबेट्स को सीखते हैं, फिर उन अल्फ़ाबेट्स को कंबाइन करके वर्ड्स बनाना सीखते हैं, फिर उन वर्ड्स से हम सेंटेंसेस, देन सेंटेंसेस से पैराग्राफ्स, और इस तरीके से हमारा एक प्रोसेस होता है इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने का। तो उसी तरीके से सी लैंग्वेज में भी यही स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी जो है वो कहीं ना कहीं फॉलो होती है। पहले हमें उसके कैरेक्टर सेट, जिसमें कि उसके जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं, नंबर्स हैं, स्पेशल सिंबल्स हैं, क्या क्या उसमें मतलब ओवरऑल जो चीज़ें हम कैरेक्टर्स के तौर पे यूज़ ले सकते हैं उनके बारे में जानना होता है। फिर उसमें कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, कीवर्ड्स, इस तरह के स्पेशल टोकन्स जो कि हम प्रोग्राम में यूज़ लेंगे उनके बारे में जानना होता है। और फाइनली फिर इन सब चीज़ों को कंपोज करके इंस्ट्रक्शंस जो है वो हम बनाना, फॉर्म करना सीखते हैं। और इसके बाद फाइनली ए ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस से हम कई तरह के फंक्शंस या प्रोसीजर्स बनाते हैं, जो कि फाइनली उनका कलेक्शन जो है, चाहे वो आप बहुत सारी स्टेटमेंट्स या बहुत सारे प्रोसीजर या फंक्शंस का कलेक्शन कहें, वो एक प्रोग्राम के तौर पे जो है वो निकल कर आता है, और जिसको कि हम एक एग्जीक्यूटेबल फाइल या एग्जीक्यूटेबल सॉफ्टवेयर के तौर पे जो है इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो डायग्राम है, अगर इसमें देखें तो ये एनालॉगी बताई हुई है कि किस तरीके से एनालॉगी है आपके इंग्लिश लैंग्वेज में और आपके स्टेप्स इन सी लैंग्वेज। देखिए, अल्फ़ाबेट्स, वर्ड, देन सेंटेंसेस, देन पैराग्राफ, एंड द सेम एनालॉगी इज़ हियर इन लर्निंग सी लैंग्वेज। देन फर्स्ट लर्न अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स एंड स्पेशल सिंबल्स, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टर सेट। देन वी हैव टू लर्न अबाउट कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स। देन वी हैव टू लर्न टू मेक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ऑल ऑफ दीज कंस्ट्रक्ट्स। एंड फाइनली वी हैव टू लर्न टू क्रिएट प्रोग्राम, मेक प्रोग्राम बाय यूजिंग ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो ये आपका एक जो है प्रोसीजर है सी लैंग्वेज को सीखने का। फिर इसके बाद बात करें तो जो सी लैंग्वेज है वो जो है उसको मिडल लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। एक्चुअल में क्या है कि अगर बात करें, इनिशियली जो लैंग्वेजेस हुआ करती थी, जो स्पेसिफिक हार्डवेयर या प्लेटफॉर्म पे ही रन होती थी या उसी के अकॉर्डिंग काम करती थी, उनको हम बोलते थे मशीन लेवल लैंग्वेज। मतलब वो बाइनरी लैंग्वेज या कहिए 0-1 की फॉर्म में ही उनके अंदर प्रोग्राम्स लिखे जाते थे, उनको लो लेवल लैंग्वेज कहते थे। और वो जिस प्रोसेसर के लिए इंटेंडेड होती थी या लिखी जाती थी, वो ही प्रोसेसर उस लैंग्वेज को समझ पाता था, उसके प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर पाता था। उसके बाद दूसरा एक दौर आया असेंबली लैंग्वेजेस का, जो आपका जिसमें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो 1-0 का जो सीक्वेंस है या बाइनरी जो है, उसकी जगह हमने नेमोनिक्स या सिंपलर वर्ड्स जो है वो यूज़ किए, ताकि हमको वो लॉन्ग चेन ऑफ 1-0 जो है वो याद रखने की जहमत नहीं उठानी पड़े, ताकि वर्ड्स जो हैं वो इजीली याद हो जाते हैं और वो नेमोनिक्स जो है यूज़ करके प्रोग्राम को लिखना आसान हो जाता है। फिर उसके बाद ये भी थोड़ा कठिन हुआ, क्योंकि नेमोनिक्स तो याद हो गए, लेकिन स्टिल वो जो था असेंबली लैंग्वेज वो फिर प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक ही था।
उसको भी आप पर्टिकुलर जो प्रोसेसर है उसके लिए लिखते थे, अगर डिफरेंट प्रोसेसर के लिए वो प्रोग्राम अगर आप चलाएंगे या उसको यूज़ लेंगे तो वो नहीं चलता था। तो उसके फिर फर्दर इम्प्रूवमेंट में हाई लेवल लैंग्वेजेस आई ताकि इस तरह का एक सोर्स कोड लिखा जा सके जो एक प्लेटफॉर्म पे लिखा जाए और किसी भी प्लेटफॉर्म पे उसको कंपाइल करके रन किया जा सके, यानी पोर्टेबल जो है कोड डेवलप किया जा सके। तो सी जो है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज तो है ही, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज होने के साथ साथ वो जो है वो लो लेवल जो है, मतलब लाइक असेंबली और उससे भी नीचे के काफ़ी फीचर्स को सपोर्ट करती है, जैसे कि उसमें हम मेमोरी मैनेजमेंट कर सकते हैं या और लो लेवल नीचे जाके हम हार्डवेयर को एक्सेस कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें उसमें ऐसी हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज होने के बावजूद भी वो लो लेवल फीचर्स या लो लेवल एक्सेसिबिलिटी को सपोर्ट करती है, इसलिए सी लैंग्वेज को मिडल लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। और ये हमको देखना होगा कि जब भी हम कोई हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो उसके लिए कंपाइलर का या इंटरप्रेटर का इस्तेमाल किया जाता है, और कोई असेंबली लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए असेंबलर का यूज़ किया जाता है। अब ये मेनली है क्या, ये जो है दीज आर कॉल्ड ट्रांसलेटर्स, क्योंकि देखिए आपने या हमने भले ही अपने काम को आसान करने के लिए असेंबली लैंग्वेजेस या हाई लेवल लैंग्वेजेस, और उसमें भी आप सी लैंग्वेज चले जाइए और भी आगे जाएंगे तो CPP, जावा, .NET, PHP, जो भी लैंग्वेज हमने डेवलप करी हो, लेकिन आज भी हमारा CPU या प्रोसेसर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज ही समझता है। तो हमको एक ट्रांसलेटर चाहिए जो कि हमारे द्वारा हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को कन्वर्ट कर सके या ट्रांसलेट कर सके लो लेवल कोड में, और उसी के लिए इस तरह के सॉफ्टवेयर्स यानी कि कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबली लैंग्वेज है तो असेंबलर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मेनली हमारे ट्रांसलेशन पर्पस के काम आते हैं और हमारे काम को आसान भी बना देते हैं कि एक तो हमको लो लेवल पे जाके कोड नहीं लिखना पड़ता और दूसरा हम इजीली हाई लेवल लैंग्वेज पे कोड लिख के उसको इनके द्वारा लो लेवल में ट्रांसलेट कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, जिसको कि CPU जो है वो एग्जीक्यूट कर पाता है और हमारा काम आसान हो जाता है। इसके बाद अगर एक चीज़ और देखें कि ये जब चीज़ें हम डेवलप करते हैं तो इसको बिल्कुल एक नॉर्मल किसी सॉफ्टवेयर में, जैसे कि आप कहिए नोटपैड है या किसी भी टेक्स्ट एडिटर में जाके चाहें तो हम इसको डेवलप कर सकते हैं और उसको बाद में जाके हम कमांड लाइन से या किसी और तरीके से कंपाइल मतलब ट्रांसलेट करके हम उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल या एग्जीक्यूटेबल मतलब रनिंग सॉफ्टवेयर या रनिंग प्रोग्राम के तौर पे प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा टेडियस होगा क्योंकि जो टेक्स्ट एडिटर्स हैं लाइक नोटपैड वो हमको प्रोग्राम डेवलपमेंट के लिए कोई स्पेशल फैसिलिटीज़ नहीं देते, क्योंकि वो मेनली डेवलप किए गए हैं टेक्स्ट को एडिट करने के लिए। तो या अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी जाएंगे तो वो भी मेनली आपको टेक्स्ट को एडिट करने के लिए, बहुत अच्छे से एडिट करने के लिए इवन बनाया गया है, लेकिन प्रोग्रामिंग फीचर्स के लिए, कंस्ट्रक्ट्स के लिए उसमें कोई स्पेशल जो है वो फैसिलिटी नहीं दी गई है। ठीक है, तो वहाँ पे जो IDE का कंसेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, IDE एक खास तरह का सॉफ्टवेयर होता है जिसमें एक तो आपका एडिटर होता है जिसमें आप क्या कर, जैसे टेक्स्ट एडिटर के जैसे ही होता है लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट है। तो वो टेक्स्ट एडिटर के जैसे होता है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम भी जनरली इंग्लिश लाइक लैंग्वेज ही होता है क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेजेस जो है वो काफ़ी मिलती जुलती है इंग्लिश लैंग्वेज के फॉर्मेट या कंस्ट्रक्ट से। तो उसको हम IDE के अंदर जो है बड़ी इजीली क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। और उसमें IDE की खास बात ये है कि वो आपको जब आप उसको लिखते हैं तो उसमें आपको अलग अलग तरह के जो टोकन्स होंगे, कीवर्ड्स होंगे, कॉन्स्टेंट्स होंगे, वेरिएबल्स होंगे, आइडेंटिफायर्स होंगे या कई तरह के और भी जो कंस्ट्रक्ट्स होंगे,
उसको जो है वो इजीली हाईलाइट कर देता है ताकि आपको पता रहे कि आप कौन सी चीज़ किस तरीके से लिख रहे हैं, और उसमें जो गलतियां हैं ख़ास तौर से कि कुछ आप मिस्टेक कर रहे हैं उसको भी वो क्या कर देता है, इजीली हाईलाइट कर देता है। तो हमारा काम जो है वो प्रोग्राम को लिखने का काफ़ी आसान हो जाता है। और इसके साथ ही केवल प्रोग्राम लिखने की फैसिलिटी उसमें नहीं है, उसके साथ उसमें हम जैसे प्रोग्राम के अंदर दूसरी कोई फाइल को यूज़ करना चाहें, इनकॉर्पोरेट करना चाहें, ऐड करना चाहें, वो भी आईडीई के थ्रू हम उसमें ला सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। दूसरा, प्रोग्राम को हम चेक करना चाहें, टेस्टिंग करना चाहें, तो आप उसको वहाँ पे मतलब कहीं और जाए बिना सीधा सीधा बैठे बैठे आईडीई के अंदर ही आप उसको कंपाइल कर सकते हैं, मतलब ट्रांसलेट या ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं लो लेवल लैंग्वेज में, उसको रन करके देख सकते हैं, उसमें डिबगिंग कर सकते हैं, यानी कि अगर कोई बग है या कोई लॉजिकल एरर आपका आ रहा है तो उसको आप ट्रेस कर सकते हैं। कंपाइलेशन एरर तो बताएगा ही, कंपाइलेशन एरर को तो आप कर ही सकते हैं करेक्ट, वो तो काम है मेन आईडी का चेक करना, लेकिन साथ में जो लॉजिकल एरर है कि आपका प्रोग्राम जो है वो चल तो रहा है लेकिन उस तरह का आउटपुट या उस तरह का आपको रिजल्ट नहीं दे रहा है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो उसमें भी आप जो है वो डिबग कर सकते हैं। डिबग करना, उस तरह के एरर को फाइंड आउट करना और उसको दूर करने को कहते हैं, तो वो भी आप आईडीई की मदद से कर सकते हैं। तो आज की डेट में जो भी लगभग फेमस लैंग्वेजेस हैं उनमें आपका आईडीई का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है, जिसमें कि एडिटिंग, कंपाइलिंग, रनिंग, डीबगिंग, ये सारी चीज़ें जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको एक साथ उपलब्ध होती हैं और काफ़ी कन्वीनियंस रहता है। तो सी लैंग्वेज की बात करें तो सी लैंग्वेज के लिए भी कई तरह के जो हैं वो एडिटर्स या आईडीई, खास तौर से कहूँ तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स डेवलप किए गए, कुछ जो है वो थर्ड पार्टी हैं, या लगभग अगर सी लैंग्वेज में देखा जाए तो थर्ड पार्टी ही हैं, क्योंकि जो डेनिस रिची ने जो सी बनाई तो उन्होंने कभी उसके लिए कोई आईडीई डेवलप नहीं किया। तो अगर बात करें सी के लिए मेन आईडीई की, तो उसमें आपका टर्बो सी है, ठीक है, उसके अलावा आपका माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो है जो कि विंडोज़ के लिए है, तो आपका काफ़ी सारे जो है वो आपके थर्ड पार्टी जो है। लाइनेक्स के लिए बात करें जो जीसीसी करके है, आपका काइलेक्स है, ये इस तरह के जो हैं वो आपके, अगर मैक ओएस की बात करें, जैसे ये तो मैंने बताया विंडोज़ और लाइनेक्स के लिए, तो मैक ओएस पे जो है वो कोड वॉरियर या एक्स कोड जो है वो दो आईडीई जो है वो आपके फेमस है। तो इस तरीके से देखेंगे तो काफ़ी काफ़ी सारे आईडीई जो है वो आपको मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप सी के प्रोग्राम्स को डेवलप कर सकते हैं। तो ये था आज का सी के बारे में इंट्रोडक्शन का लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।